आज जनपद मिर्जापुर के विंध्याचल स्थित माँ विंध्यवासिनी के दरबार में हर वर्ष की भांति इस वर्ष भी राज मिश्रा राज्य अधिकारी पुरोहित सदस्य विंध्य विकास परिषद के तत्वाधान में अपने निजी राज विशिष्ट अति भवन में विशाल भंडारे का आयोजन किया गया, जिसमें हजारों की संख्या में श्रद्धालुओं ने प्रसाद ग्रहण किया। वहीं श्रद्धालुओं ने कहा कि राज मिश्रा एक लोकप्रिय समाज सेवी हैं। वहीं राज मिश्रा ने बताया कि यह भंडारा मां के नाम से है और ये कल जब तक श्रद्धालु की संख्या आती रहेगी तब तक ये भंडारा अनवरत चलता रहेगा। वहीं राज मिश्रा स्वयं सब्जी व पूरी बनाते हुए नजर आए। ओ, तेरे रूप का है एक लश्कारा, तेरे रूप का है एक लश्कारा, जग में है जितना भी नूर जोता वालिए, जग में है जितना भी नूर जोता वालिए। लाता है उसकी झोली भरती है तू, उसकी झोली भरती है तू। विंध्यवासिनी दरबार में हर साल की भांति साल के समाप्ति के दिन हमारे तरफ से यहाँ पे विशाल भंडारे का आयोजन किया जाता है, जो कि इस भंडारे में यहाँ के लोकल आदमी और माँ के जो श्रद्धालु आते हैं वो सब यहाँ जितने ड्यूटी पे लगे हुए पुलिस स्टाफ बाकी सब यहाँ माँ के दरबार में सेवा करने वाले सभी भक्त इस प्रसाद को ग्रहण करके लुप्त उठाते हैं। माँ के दरबार में 31 तारीख और 1 जनवरी के कई लाख की भीड़ होती है। जिस तरीके से नवरात्रि के अष्टमी और नवमी को भीड़ होती है, उसी प्रकार से 1 जनवरी के दिन लोग नई शुरुआत करने के लिए माँ का आशीर्वाद से ही शुरुआत करते हैं। जो दूर से श्रद्धालु आते हैं उनके लिए क्या व्यवस्था की गई है? जो भी दूर से या नज़दीक से सब के लिए व्यवस्थाएं एक हैं, और हम लोग ये चाहते हैं कि प्रशासन से मिलके विंध्य विकास परिषद के तरफ से विंध्य विकास परिषद के तत्वाधान से उनको सुलभ व्यवस्था कराई जाए। उन्हें रुकने के लिए हमारा विशिष्ट गृह बिल्कुल फ्री सेवा में दिया जाता है, और उनके खाने के लिए ये जो आप भंडारा देख रहे हैं ये अनवरत कल रात्रि 12 बजे तक चलता रहेगा। आज जनपद मिर्जापुर के कलेक्ट्रेट स्थित एनआईसी हॉल में एडीएम व नगर पालिका अध्यक्ष मनोज जायसवाल की उपस्थिति में एनआईसी हॉल में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए जनपद मिर्जापुर को
प्रधानमंत्री आवास योजना में प्रथम स्थान मिला, जिसमें जनपद का नाम रोशन किया गया। भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी का सपना हर व्यक्ति को घर मिले, इस दृष्टि से प्रधानमंत्री आवास शहरी के अंतर्गत आज पूरे देश के अंदर उत्तर प्रदेश को प्रथम स्थान मिला है और उत्तर प्रदेश में अपने मिर्ज़ापुर को प्रथम स्थान मिला है। इसके लिए मैं भारत सरकार को, भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री जी को और उत्तर प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री जी को बहुत शुभकामना बधाई देता हूं, धन्यवाद देता हूं, जो उन्होंने मिर्ज़ापुर के इस योजना को पहला स्थान दिया है। मिर्ज़ापुर के तरफ से माँ विंध्यवासिनी के धाम से उनको बहुत ढेर सारा शुभकामना बधाई देता हूँ। और जो हमारे प्रधानमंत्री जी का सपना है कि आत्मनिर्भर भारत, उसके अंतर्गत उन्होंने 6 लाइट हाउसिंग की व्यवस्था करके पूरे देश के अंदर एक नई शुरुआत की है, उसके लिए भी उनको बधाई देता हूं, शुभकामना देता हूं। आज जनपद के फतहा स्थित लोक निर्माण विभाग के प्रांगण में मुख्य अभियंता मिर्ज़ापुर क्षेत्र लोक निर्माण विभाग के इंजीनियर युगल किशोर शर्मा के सेवानिवृत्ति होने पर लोक निर्माण विभाग के समस्त कर्मचारियों द्वारा एक भव्य समारोह कर उन्हें विदाई दी गई। इस अवसर पर विभाग के वरिष्ठ अधिकारियों द्वारा उन्हें माल्यार्पण कर उन्हें स्मृति चिन्ह प्रदान किया गया। हमारे मिर्ज़ापुर क्षेत्र के मुख्य अभियंता महोदय आज 31 दिसंबर 2020 को अवकाश प्राप्त हो रहे हैं और सेवानिवृत्त हो रहे हैं। इस अवसर पर उनका विदाई समारोह आज आयोजित किया गया है और इस हमारा ये पूरा PWD परिवार, उसमें अधीक्षण अभियंता महोदय, अधिशासी अभियंता महोदय, सहायक अभियंता महोदय और हमारे जितने जूनियर इंजीनियर्स हैं और कर्मचारी संघ, सब मिल करके हम अपने PWD परिवार की मुखिया का आज यह विदाई समारोह उनके सम्मान में मना रहे हैं। आज जनपद मिर्ज़ापुर के भरवना स्थित देहली पब्लिक स्कूल सेकेंडरी स्कूल में स्कूल के प्रबंधक रमाशंकर तिवारी के कर कमलों द्वारा स्कूल के नए सत्र की शुरुआत स्कूल के प्रांगण में सुंदरकांड का आयोजन कर किया गया, जिसमें स्कूल के समस्त स्टाफ मौजूद रहे। पहले सबसे पहले मैं आप सबको नए साल की शुभकामना देंगे और आज हमारे यहाँ स्कूल पे सुंदरकांड का पाठ रखा गया। तत्पश्चात जो है एक छोटा सा कार्यक्रम में खीर और चूड़ा मटर का रखा, जिसमें सभी लोग आमंत्रित थे, आप जैसे व्यक्ति और स्कूल के सारे स्टाफ। आज के सुंदरकांड का उद्देश्य क्या था है? साल की शुरुआत भगवान के नाम से हो, जो कि हर दिन सबके लिए अच्छा हो, और यही शुभकामना मन में रखते हुए यह भाव जगा कि सुंदरकांड का पाठ हो और सबका कल्याण हो। और हमारा मेन उद्देश्य था ये ऑर्गेनाइज करने का, ये सुंदरकांड हमने कराया है, ये कराने का सिर्फ ये था कि जो कोरोना से लोगों ने लड़ा है, जो लोगों ने इतना परेशान हुए हैं, भगवान उन सभी लोगों को शक्ति दे और जो लोग बचे हुए हैं उनको प्रभु बचाए रखे और आने वाला वर्ष सबका मंगलमय हो,
सब सुखद रहे, सब अच्छे से रहे, यही कामना के साथ हमने भगवान जी से ये प्रार्थना की है और सुंदरकांड करवाया।